नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CHSL टीयर 1 का फाइनली दोस्तों रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी कुछ समय पहले रिजल्ट आपका जारी किया गया है। रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही बात करूंगा आप सभी की कैटेगरी वाइज आप सभी की कट ऑफ कितनी गई है, साथ ही बात करूंगा कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है, और हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपके मार्क्स जो है आपके कब तक शो हो जाएंगे। तो देखिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे SSC के रिजल्ट के बारे में आप कंप्लीट डिटेल में जान पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप SSC के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका टीयर 1 का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके एग्जामिनेशन के डेट के बारे में तो 2 अगस्त से लेकर आप सभी का 17 अगस्त 2023 तक आप सभी का एग्जाम जो कराया गया था। ठीक है, आप लोग जो लोग जानते हैं ये कुछ दे रखा है क्राइटेरिया, ये तो आप लोग छोड़ ही दीजिएगा कि इतना क्वालिफाई मार्क्स तो कभी हुआ ही नहीं अभी तक कट ऑफ में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आपका लिस्ट 1 जारी की गई, जिसमें देखिए आपकी 3 लिस्ट जो है आपकी जारी की गई है। ठीक है भाई, 3 लिस्ट जारी की गई है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो लिस्ट 1 है वही मेन आप सभी की। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूंगा जिसमें जो आपकी LDC एंड GSA यानी कि आपको LDC की जो पोस्ट होंगी और GSA की, उसके लिए लिस्ट बन रहने वाली है। और उसकी कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए UR कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, UR कैटेगरी के बारे में बात करें तो उसकी जो कट ऑफ गई है वो 153.91 आपकी कट ऑफ गई है, जिसमें 2890 कैंडिडेट को यहां पे क्वालिफाई किया गया है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें SC कैटेगरी के बारे में तो SC कैटेगरी की 136 यानी 136.41 आपकी कट ऑफ गई है, जिसमें 3290 कैंडिडेट को यहां पे क्वालिफाई किया गया है। आगे बात करते हैं ST कैटेगरी के लिए, तो ST कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया है वो 124.52 कट ऑफ गया है, जिसमें 1450 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। बात करें OBC कैटेगरी के बारे में तो OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 152.26 आपका कट ऑफ गया है, जिसमें 5405 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। सेम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, तो एक्स सर्विसमैन का सॉरी EWS कैटेगरी के लिए, तो EWS का जो कट ऑफ गया है वो आपका 159.09 आपका कट ऑफ गया है, जिसमें 2536 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है EWS में। अब बात करते हैं एक सर्विसमैन में, तो एक सर्विसमैन में जो आपका कट ऑफ गया है 102 आपका कट ऑफ गया है, 102.47 आपका कट ऑफ गया है, जिसमें 878 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। हम बात करें HH कैटेगरी के बारे में तो HH का वही 132.44 आपका कट ऑफ गया है, जिसमें 245 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। हम बात करें HH कैटेगरी के बारे में तो HH का जो कट ऑफ गया है 94.08 आपका कट ऑफ गया है, जिसमें 199 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और बात करें BH कैटेगरी के बारे में तो BH कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो आपका 132.20 गया है, जिसमें 265 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। अदर जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो 115.27 आपका कट ऑफ गया है, जिसमें 237 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कुल वैकेंसी कितनी थी, 1741 या शायद ऐसा कुछ वैकेंसी थी। ठीक है, अभी कल नोटिफिकेशन जारी किया गया वैकेंसी को लेकर, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म भी कर दिया था। ठीक है, 1700 कुछ वैकेंसी थी, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अब कितने कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया, 17495 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। तो ठीक है भाई, अगर मैं बात करूँ तो एवरेज अगर हम बात करें तो 1700 कुछ की वैकेंसी थी, मान लो 1741 गुना 10 का अगर हम करें एवरेज तो लगभग 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे दो क्वालिफाई किया गया है। कितने गुना, लगभग 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 17495 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है, जो कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ भी मैंने आप सभी को बता दी है। अगर मैं बात करना चाहूँगा, देखिए अगर जो कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर CAG एंड DCA जो डिपार्टमेंट है उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो उसका जो कट ऑफ गया है वो UR कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया है वो आपका कट ऑफ गया है 169.92, उसमें 342 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। SC कैटेगरी के बारे में बात करें तो 157.67 कट ऑफ गया है, जिसमें 165 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। OBC के बारे में बात करें तो OBC के जो है 169.92 आपका कट ऑफ गया है, जिसमें 247 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। अगर मैं इसमें बताना चाहूँगा तो इसमें जो क्वालिफाइड टोटल कैंडिडेट हैं कि वो कितने हैं, वो 754 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ तो देखिए टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो केवल इस डिपार्टमेंट में 6 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 6 वैकेंसी, लेकिन कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया, 7000 कुछ को, तो यहाँ पे बहुत गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। सेम बात करते हैं जो लिस्ट 3 जारी की गई है, वो आपकी लिस्ट 3 में आने वाला है जो आपका अदर देन जो भी आपका DCA यानी कि जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं DEO जो आपके अदर देन CAG और DCA वाले होते हैं उनके लिए। ठीक है, उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी कितनी वैकेंसी है, एवरेज 40 वैकेंसी है और कैंडिडेट कितने, 1300 कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो अच्छे खासे कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसकी कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो सेम इसकी कट ऑफ भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, UR की 169.27, जिसमें 323 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है।
एससी की 277 आपके कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया, जिसमें 157.32 आपका कट ऑफ गया है। एसटी के बारे में बात करें 154.58 आपका कट ऑफ गया है, जिसमें 65 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। ओबीसी के बारे में बात करें तो 168.77 आपका कट ऑफ गया है, जिसमें आपका 378 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। ईडब्ल्यूएस पे 169.28 आपका कट ऑफ गया है, जिसमें आपके 164 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें तो 126.84 कट ऑफ गया है, जिसमें 100 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। एचएच के बारे में बात करें तो 115 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, पचास कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, जिसमें 115.87 आपका कट ऑफ गया है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको वैकेंसी भी बता दी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये कुछ कैंडिडेट के रोल नंबर हैं, जिनके रोल नंबर मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत होगी तो वो उनके लिए दे रखे होते हैं। आप लोग पूछेंगे कि भाई इसकी फाइनल मार्क्स आपके कब जारी किए जाएंगे, तो दोस्तों आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनल मार्क्स के बारे में बात करें तो देखिए, अभी हो सकता है कि 10 या 15 दिन में आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइनल मार्क्स भी जारी कर दिए जाएं, तो जैसे आपके मार्क्स आएंगे आप लोगों को तुरंत वीडियो मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो टीयर 2 का पेपर है वो आपका शेड्यूल किया गया है, 2 नवंबर 2023 को आपका जो है टीयर 2 का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं वो अपना अच्छी तरह से तैयारी में लग जाएं। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं कि आपको अपना रिजल्ट को कैसे चेक करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट। टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा, या फिर लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग अपनी कट ऑफ के रिगार्डिंग और वो ये आपको मैंने शेड्यूल दिखाया था वो देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं पीडीएफ को। बाकी अगर आप लोग देखना चाहते हैं जो मेन लिस्ट है आप सभी की, वो इस लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, मेन लिस्ट जो आप लोग देख सकते हैं, ये अपना लिस्ट 1 जो है डाउनलोड करेंगे, जो मैंने लिस्ट 1 में आपको बताया था सभी पोस्ट के लिए जो था। ठीक है, एलडीसी और जेएसए की जो पोस्ट थी वो इस लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। इस लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सर्च वाले आइकॉन पे जाना है, और सर्च वाले आइकॉन पे जाने के बाद आपको अपना क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है। ठीक है भाई, इस तरीके से मैं आपके सामने कैंडिडेट का रोल नंबर सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि ठीक है, मैंने एक कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर सर्च किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट का रोल नंबर आपको मिल चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर आपका रोल नंबर इसमें होता है तो आप लोग देख सकते हैं, आपका बाकायदा आपका नाम मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मिलेगी, साथ ही आपका पिताजी का नाम भी मिलेगा और कैटेगरी का कोड भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डिटेल मिलेगी। अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको इसमें आपका रोल नंबर और सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं है तो इसमें आपको ना ही आपका रोल नंबर मिलेगा, ना ही पिताजी का नाम, ना ही कोई भी और डिटेल। ठीक है भाई, तो दोस्तों मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है। दोस्तों जो भी है, अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट हैं तो आपका रोल नंबर होगा, नहीं तो आप लोग शॉर्टलिस्ट नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग जो आपकी डीईओ की जो पोस्ट है यानी उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो लिस्ट 2 डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और जो अदर देन डीईओ वाले हैं वो आपका लिस्ट 3 डाउनलोड करेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। मार्क्स के बारे में काफ़ी कैंडिडेट पूछेंगे कि मार्क्स कब तक जारी कर दिए जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, 10-15 दिन में वो मार्क्स भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जारी कर दिए जाएंगे। तो तभी जैसे मार्क्स आपके जारी किए जाएंगे, स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो भी मिल जाएगा। तो आई होप मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट्स थे जो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। बाकी रिजल्ट के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने शेयर कर दी है। अब कोई भी डाउट या क्वेश्चन बनता हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, और कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।